परवेज मुशरफ संगीन गद्दारी केस में साबक फौजी अमर को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। परवेज मुशरफ ने 1999 में इस वक्त के साबक वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की थी, जिसके बाद 2001 से 2008 तक मुल्क के सदर भी रह चुके हैं। साबक फौजी सदर परवेज मुशरफ के खिलाफ आइन शिकनी और संगीन गद्दारी के मुकदमात की समाप्त करने वाली खसूसी अदालत ने इन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। अजी परवेज मुशरफ को आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सजाए मौत का हुक्म दिया है वो मेरे ख्याल से तो ये है कि अमीर और गरीब के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, और अदलिया का जो फैसला है मैं इसको बड़ा अव्वल से अव्वल तर मानता हूँ। अदालतों ने जो फैसला किया ना ये बहुत अच्छा कि ऐसे सजाए मौत होनी चाहिए थी। अदालतें आज़ाद हैं, उन्होंने अपनी आज़ादी से अगर ये फैसला किया है तो बहुत जबरदस्त फैसला है। परवेज मुशर्रफ पर आइन शिकनी का इल्जाम 3 नवंबर 2007 को आइन की मुअत्तली और मुल्क में इमरजेंसी के नफाज के हवाले से था, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि किसी भी शख्स को आइन शिकनी के जुर्म में सजा सुनाई गई है। अदलिया ने बिल्कुल जो भी फैसला किया ठीक किया है। अदलिया का अच्छा इंसाफ था कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का फैसला दिया है। हम अदलिया के इस फैसले से खुश हैं। बहुत अच्छा हुआ है, अदलिया जो कर रही है बेहतर कर रही है। DGI SPR ने जनरल मुशर्रफ की सजाए मौत पर सख्त रद्दमल देते हुए कहा है कि ये इंसाफ के बिल्कुल ही मुनाफी है, ये इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं कर रही। कैमरामैन आशर अरमान रंधावा के साथ मोहम्मद सगीर चौधरी, मशरक न्यूज़, लाहौर।